हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आरएक्स चैनल। तो आज फिर से खेलेंगे फार्मर सिम्युलेटर 19। और काफ़ी टेस्ट कर चुके हैं हम आपने। हमारी अगर पुरानी वीडियोस को नहीं देखा तो जाओ या उनको देखो। अगर आपको कोई भी मोड की ज़रूरत है तो सभी मोड्स के लिंक दिए हैं, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। और मेरा ब्लॉग चैनल बन चुका है भाई, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके सब्सक्राइब कर लेना ब्लॉग चैनल को भी। 100 तो करवाओ यार सब्सक्राइब। इसमें भाई 10,000 11,000 उसमें यार भाई 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है यार। तो आज की इस वीडियो में आपकी डिमांड है यार। कुछ पता नहीं यार भाई, बोल रहे थे अभी नाम नहीं है उनका याद, वो बोल रहे थे कि कैबन देखो यार। मैं 200 सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं मैं किसी के ना पढ़ूँ। तो वहाँ पर यार मुश्किल बात यह है कि सभी का रिप्लाई देना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि 500 से ज़्यादा जो कि डेली मुझे कमेंट आते हैं। और आपको पता ही है भाई, अभी रात का टाइम है और कल दिन में तो मैं काम पे होता हूँ ना, तो मैं किसी का फ़ोन रिसीव करता हूँ, यहाँ तक घर वालों का भी नहीं करता हूँ। तो उस वजह से थोड़ा बहुत मैं फ्री होता हूँ तो मैसेज आपके सभी के देखता रहता हूँ, रात में भी देखता रहता हूँ। तो मैं प्रॉपर उस पर कोई यार रिप्लाई तो नहीं कर सकता, कुछ कुछ का कर देता हूँ। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कुछ तो उसका मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसे ही मैंने कमेंट पढ़े थे तो मुझे एक भाई का कमेंट आया था, भाई आप जॉन डियर बनाओ तो बहुत ज़्यादा एसी केबल। तो फाइनली मैंने बना दिया है, वो कल ही बना दिया था पर लेट हो गया था वीडियो डालने में, तो उसी वजह से आज उसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो 53 का तो हो गया। तो ये रहा भाई जॉन डियर 53, तो एसी केबन के साथ आता है और तीन टाइप के केबन है इसमें। सबसे पहले यार खुल जा, और ये नॉर्मल है भाई, अगर आप चाहो नहीं चाहिए केबन, खुली हवा चाहिए ताज़ी तो इसको बाई कर लो। और ये है भाई डिजाइनिंग। तो उसके बाद यार एक तो ट्रैक्टर बड़ा लड़खाता है, पता नहीं ये क्यों हो रहा है। दो नंबर पे भाई ऐसा कैबर मिलेगा, तीन नंबर पे पूरा बंद मिलेगा पर पीछे से खुला है, खुल्लम खुला। और चौथे नंबर पर ये हुड है। ओके, आपको जो भी पसंद हो। और लास्ट में है हमारा एसी केबन। और ये भाई झुकता जा रहा है नीचे, इसको क्या हो गया? चलो फ़िलहाल कोई बात नहीं। और फीचर्स पता नहीं यार क्या क्या फीचर है इसमें, मुझे नहीं पता इंस्टॉल किया। और 2x2 हाँ बिल सेटअप भी है इसमें दोस्तों, चाहो तो 4x4 कर लो, 2x2 कर लो। मैं तो फ़िलहाल यार ये तो पलट जाएगा से। और 53 से इंजन सेटअप भी चेंज कर सकते हो, इंजन का कलर भी चेंज कर सकते हो। डिज़ाइन कलर पे जाओ, इंजन का कलर। और यार डिज़ाइन कलर पर होगा क्या? नहीं डिज़ाइन पर नहीं होगा, ये होगा यहाँ से, ये हो गया ब्लैक कलर इंजन का सेटअप। तो हमारे ख्याल से तो जॉन डियर का हरा ही होता है। रिम कलर भी चेंज कर सकते हैं यार, ये आगे पीछे होता रह रहा है। तो किराए पे लेते हैं और करते हैं इसके टेस्टिंग। एसी केबन का आपने मुझे बोला था तो बना दिया, ये देखो। तो ये है हमारा जॉन डियर, एक मिनट दिखा दूं। 53 10 53 10 जॉन डियर एसी केबन के साथ। भाई देखो ग्लास स्लास अंदर, एकदम इंटीरियर ज़बरदस्त है यार दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त बनाया। ओके, हॉर्न लगे हैं बड़े बड़े, ये देखो हॉर्न लगा दिए, ये देखो लगा दिए बड़े बड़े, ये लगा दिए। अभी बाहर से तो देख लो एक बार, और सिंपल है, बेड सेट सब कुछ आता था, हमने लिया नहीं। तो अभी अंदर बैठते हैं, एक मिनट। अंदर का कैमरा है जो दोस्तों थोड़ा सा ख़राब है यार, मैंने कोशिश की इसको सही करने की पर हुआ नहीं, पर ये साइड में है। तो फ़िलहाल अंदर का इंटीरियर आपको दिखा दूँ आगे पीछे करके। तो एक भाई लगा है एम्पलीफायर, क्या बोलते हैं, USB प्लेयर, और रेंच सेंच पड़े हैं। और भाई अंदर से देखो लाइटिंग ऑन, लाइटिंग देखो भाई, लाइटिंग क्या जबरदस्त। तो सामने देखो यार, है ना जबरदस्त चीज़। और बाहर से भी दिखा दूँ आपको जरा इसकी लाइटिंग साइटिंग, ये है देखो अंदर से भाई बिल्कुल रेड रेड हो गया। और बीकन देखना इसका कितना जबरदस्त है, ये देखो बीकन देखो। और अभी नाइट में आपको दिखाऊँ थोड़ा सा इसका सीन कैसा दिखता है, ये देखो भाई क्या जबरदस्त है यार। गाड़ी गाड़ी का मतलब कि गाड़ी को मुकाबला देगा भाई, मॉडिफाई इतना है यार, ये मॉडिफाई बनाया पूरा भाई, देखो पूरा मॉडिफाई। अभी अंधेरे में नहीं सही लग रहा है यार, एक मिनट 11 के तकरीबन सही अभी टाइम कर लिया सही। और बीकन देखो भाई कितने ज़बरदस्त चमक रहे हैं। और आज करेंगे इसके साथ टेस्टिंग भाई, वो ट्रॉली को खींच नहीं पाए थे, दो ट्रैक्टर हमारे फेल हो गए थे, आज इसको देखते हैं 53 10 AC केबन। तो ये दो फीचर में आता है भाई, 4x4 है, अगर आप चाहो 4x4 लो, 2x2 लो, तो फीचर इसमें काफ़ी हैं। और लो भाई ट्रॉली लग गई, हो वह उठ गया उठ गया, इसमें बेड नहीं लगाया इसी वजह से उठ गया। ओके और खींच खींच खींच, ये खींचेगा नहीं इसको क्योंकि इसके टायर हैं जो धरती में घुस गए हैं भाई ट्रॉली के।
और सिंगल टायर ट्रॉली है यार, अपने यहाँ बेड इसका मतलब कि संभाल नहीं पाती यार, इतनी सिंगल टायर है तो डबल करने पड़ेंगे। अपने पास ट्रॉली यार ये भी थी एक, ये भी इसका भी सत्यानाश कर दिया मेरे ख्याल से मैंने। हाँ ये भी सत्यानाश इसका कर दिया मैंने ट्रॉली का। टाइम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम लगता है मुझे यार मॉडिफाई करने में, तो इसी वजह से मैं कर नहीं पाता हूँ मॉडिफाई चीज़ें। जो एक बार बना दी उसको मैं देखता नहीं फिर यार, चाहे ख़राब हो जाए। यार कहाँ गई ट्रॉली, ये सही है 20 फुट ट्रॉली, पर 20 फुट नहीं थी ये, हमने बढ़ा के इसको पता नहीं 25 तक कर दिया। ये जोंडियर भी ग्रीन हो रही है, ट्रॉली भी ग्रीन। अंदर से थोड़ा सा यार सिस्टम सा सही नहीं लगता मुझे यार इसका। लग गई भाई ट्रॉली, और ये उठ जाएगा ट्रैक्टर मुझे मालूम है, क्योंकि बेड बस सेड कुछ भी नहीं लगाया। ये उठ गया ना, बैलरी में चाहे खींच दे। ये देखो पर खींचता है दोस्तों, खींचता है, फौरन दिखाऊंगा आपको, है ना जबरदस्त हॉर्न भी एकदम टनाटन हो रहा। ओ तेरी, ओ भाई ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, एक तरफ जा रहा है एक ही तरफ जा रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ सही है, अभी पॉज। ए आप ही की डिमांड थी यार दोस्तों, आप बोल रहे थे हाँ एसी केबिन वाला दिखाओ। और एक इसका फैन भी घूम रहा है अंदर, देखो इंजन का एनिमेशन कितने तगड़े हैं। और भाई ट्रॉली तो आराम से खींच रहा है, पर ये बेट, ओ भाई क्या हो गया इसको, जमीन में घुस गया था ये तो। लाइटिंग पीछे भी आ रही है देखो। और अभी करते हैं नॉर्मल अपने इंडियन इंप्लीमेंट टेस्ट, और थोड़े से हम दूसरे भी करेंगे। ये देखो भाई लाइटिंग जला ले, मैं तो बोल रहा हूँ अच्छी लग रही है, पर लाइटिंग एक पे चलाते हैं। बिकन बंद कर लें यार, आँखों में लग रहे हैं। और भाई बिकन की साइड में लाइटें भी जलती हैं यार, क्या जबरदस्त है। तो हमने अब ये तुम्हारे भाई ने बनाया, ओके तो जो कि मैंने 53 10 53 10। और लो भाई खींच दिया, ओ तेरे की, ओ भाई खींच दिया, ओ लोड ले रहा है लोड ले रहा है। 4x4 होता तो भाई आराम से खींचना था उसने। क्या जबरदस्त है यार, एकदम जबरदस्त। अभी बड़े करते हैं टेस्ट, प्लो प्लो नहीं भाई कल्टीवेटर ही है ना। साउंड भाई फटने को आ रहा है ट्रैक्टर अपना, ध्यान से देखो इसके बम्पर पे भी लाइटें लगी हैं छोटी छोटी। यार इसको पता नहीं खींचने में जोंडियर को क्या हो जाता है, ये तो खाली नहीं चल रहा यार। अभी लगाए नहीं, इसको पता नहीं क्यों खींचता नहीं, खींचते नहीं है यार जोंडियर। इसकी कोई प्रॉब्लम है यार तो कल्टीवेटर में। ये आ गया अपना रूटावेटर कल वाला भाई, 12 फुट। अभी इसका देखते हैं वीडियो को घुमाता है यार, इसमें पावर क्यों नहीं है इतनी। दोस्तों एक बात, मैंने यार इसकी पावर है जो कि नॉर्मल रखी है, ना तो बढ़ाई है ना कम की है, जो भी इसकी और पावर होती है। अभी मेरे पास तो कोई और चीज़ है नहीं टेस्ट करने में। एक मिनट, अगर हम बाय करें कोई और इम्प्लीमेंट जो कि हॉर्स पावर भी कम हो उसकी, प्लो, हाँ ये सही रहेगा इसके लिए। ये 5 मीटर का है तकरीबन मेरे ख्याल से, 4.9 बता रहा है, पर ये 5 मीटर का है मेरे ख्याल। अजी 5 मीटर का हो भाई, और उठ जाता है ट्रैक्टर या जोंडियर केबिन वाला। लाइट बंद कर लें यार, आँखों में काफ़ी प्रॉब्लम लग रही है। और ये लगा दिया नीचे, और यार खींचता है, खींच रहा है भाई खींच रहा है, एक ही स्पीड में खींच रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे नहीं खींच रहा। यार ये खींच रहा है भाई, एक ही स्पीड में खींच रहा है, ये नहीं कि आप खींच नहीं रहा जोंडियर। यार जोंडियर खींचता है, पर ये कभी कभी खींचता, अभी खेत भी हमारा यार जो कि थोड़ा थोड़ा गीला पन्ना है यहाँ पे। इसके लिए भाई 11 हल सही हैं। ये भाई कहाँ आ गए, एक तो भाई हरियाली है सभी तरफ दिखना है, हमारा ट्रैक्टर भी ग्रीन है। और ये लग गए भाई यार, एक तो इनकी लिफ्टिंग में पता नहीं मेरे या तो गेम में प्रॉब्लम है या तो ये इनमें इम्प्लीमेंट। ये देखो भाई कहाँ जाके लगते हैं यार, उस वजह से लगते नहीं नीचे ये इम्प्लीमेंट, अभी लग ही नहीं रहे हैं। लो भाई अभी कैसे मैं इसको कल्टीवेटर करूँ, लगे 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 भाई, इनका इतना बेड ट्रैक्टर उठ जा रहा है। और भाई खींच रहा आराम से, ओ भाई देखो
भाई हो फौरन मारने खींच रहा है आराम से। देखो तो ये मेरे दोस्त की ख्वाहिश थी, दोस्त मतलब कि आप लोग, मेरी फैमिली की ख्वाहिश थी कि जोंडियर कैबिन वाला भी दिखाओ। अभी आपको धीरे धीरे सभी ट्रैक्टर कैबिन वाले दिखाओगे क्योंकि अभी धूप है जो बहुत ज़्यादा हो चुकी है किसानों के लिए भाई, धूप मतलब कि समस्या का कारण बन चुकी है। तो उसी वजह से दूर करने के लिए अभी ये सी कैबिन वाले भी ट्रैक्टर मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए, तो जल्दी आपको भी मिल जाएगा। ये पहला मेरे सी कैबिन का ट्रैक्टर है और इसमें इतने फीचर ऐड किए हैं भाई, आप देखो यार अभी किसी ने किए नहीं होंगे। तो अगर ये सक्सेसफुली जो कि पास हो जाता तो हम और भी बनाएंगे। आपका रिस्पांस अच्छा आना चाहिए, बस पास होने का भाई है बस तरीका। अगर आपका रिस्पांस व्यूज़ वगैरह अच्छे आएंगे तो इसका मतलब आप लोगों को ज़रूर पसंद आया, फिर उसी डिमांड पे अलग अलग ट्रैक्टर बनाएंगे और छोटे मोटे ट्रैक्टर को भी देखेंगे यार। उनका भी एसी का कनेक्शन देना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि छोटी हॉर्स पावर होने के कारण वो भाई उठ गया, वो भाई वही काम ना हो जाए। चलो इसको ऊपर चढ़ाते हैं, थोड़ा सा चढ़ गया अभी आराम से, पर यहाँ पर अटक गया। चलो अभी आराम से चढ़ गया। तो वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और लेके आते हैं आपके लिए एक और नया ट्रैक्टर का मोड अगली वीडियो में। तो अगर आपको मोड का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मैं आपको इनका लिंक दे दूँगा मोड का। ओके तो आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो लेके, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।